أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد आपके विजय के लिए पनाह लेता हूँ सुबह के परवरदिगार की और तमाम मखलूकात के शर से और अंधेरी रात के शर से जबकि वो छा जाए और गिरहों में पड़ पड़ कर फूकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करने लगे। गुज़िश्ता से तेवस्ता मजलिस में आपके सामने इन दोनों सूरतों के शाने नुज़ूल के बारे में बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरतों को क्यों नाजिल फरमाया। तो इस सिलसिले में आपके सामने कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स जो कि यहूद का खलीफ था लबीद बिन आसम, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था और जिस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर यह होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया नहीं होता था फिर भी आपको ये पता चलता था कि अल्लाह के रसूल ने वो काम कर दिया है। और इसका दूसरा असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त ये समझते थे कि मुझे किसी ने बांध दिया है, हालांकि आप बंधे हुए नहीं थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकलीफ को देखकर बारी ताला ने हजरत जिब्राइल के तवस्सुल से कुरान करीम की इन दो सूरतों को नाजिल फरमाया। इन दो सूरतों को नाजिल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में पूरी की पूरी बात बतलाई गई तो आप बीरेजी अरवान पर गए और वहां जाकर एक पत्थर के नीचे जिन जिन चीज़ों पर अल्लाह के रसूल को जादू किया गया था उन चीज़ों को निकाला और निकाल कर एक धागा और एक रस्सी निकाली जिसके अंदर 11 गिरहें थी। तो कुरान करीम की एक एक आयत को पढ़ते गए और उन 11 गिरहों को खुलते गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू खत्म हो गया। अब यहाँ कुरान करीम की वो पहली आयत जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, नबी जी आप कहिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, सुबह के परवरदिगार की मैं पनाह मांगता हूँ। पनाह अरबी जुबान में कहते हिफाजत को, कि मैं अल्लाह की हिफाजत को तलब करता हूँ। जाहिर सी बात है हमारा अकीदा है कि नफा और नुकसान पहुंचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह ही नफा पहुंचा सकता है और अल्लाह ही की मशीयत और चाहत ही से हमें नुकसान पहुंच सकता है। वरना दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि अगर अल्लाह हमें नफा पहुंचाना चाहे और दुनिया के लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई हमें नुकसान पहुंचा नहीं सकता, और अगर अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाना चाहे और दुनिया के लोग हमें फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई जात ऐसी नहीं है अल्लाह के सिवा कि जो हमें नफा पहुंचा सके, अल्लाह ही हमें नुकसान पहुंचा कर रहेगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि आप अल्लाह की पनाह मांगिए जो कि सुबह का परवरदिगार है। यहाँ कुरान करीम ने ऐसा कहा कि सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगिए, तो क्या अल्लाह तो सुबह का रब है शाम का रब नहीं है? अल्लाह तो तमाम मखलूकात का परवरदिगार सबका अल्लाह, लेकिन यहाँ ऐसा कहा कि नहीं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगिए। ये इसलिए कि आप जानते हैं कि सुबह उस वक्त आती है जबकि पहले रात आती है, हमारी शरीयत में पहले रात आती है फिर दिन आता है। इसलिए जब रात आती है तो रात के अंदर शर और आफात और मुसीबतें भी आती हैं, क्योंकि अंधेरे के अंदर मुसीबतें होती हैं, अंधेरे के अंदर चोर डाकू वगैरह अपना काम करते हैं और जादूगर भी रात ही में जादू करते हैं। तो जब रात होती है तो रात में शर और फितना होता है, और रात के बाद जब सुबह होती है तो सुबह के आने से वो रात का फितना और रात का शर ये खत्म हो जाता है। तो गया अल्लाह ताला फलक कहकर इस बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि एक रब रात के अंधेरे के अंदर आने वाले फितने को, रात के अंधेरे में आने वाले शर को खत्म कर सकता है, वही परवरदिगार तुम्हारे ऊपर आने वाली हर बला हर मुसीबत को खत्म कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी जी आप कहिए मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। फलक ये असल में कहते हैं फटने को,
पांव के निकलने को, क्योंकि रात के बाद जो सुबह आती है तो ये सुबह रात की तारीकी को पार कर, रात के अंधेरे को खत्म करके सुबह की रोशनी को नमदार करती है, इसलिए इसको फलक कहा जाता है। तो यहाँ अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के परवरदिगार। फिर उसके बाद कहा कि मिन शर्री मा खलक, तमाम मखलूकात के शर से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। देखो कुरान करीम की इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने चार आफतों को बयान फरमाया है, चार दुश्मन का तज़किरा फरमाया है, और इसके बाद जो सूरह नास आती है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक दुश्मन का तज़किरा फरमाया है। वो ये इंसान के बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं कि जिनको खत्म करने के लिए और जिनसे बदला लेने के लिए इंसान के पास तीर है, बंदूक है, तपंग है, हाथ है, ये सब चीजें होती है कि इंसान उससे अपना बचाव करने के लिए उन चीजों का सहारा लेता है। लेकिन चंद ऐसे दुश्मन हैं कि जिनसे बचने के लिए इंसान के पास कोई हथियार है ही नहीं, कोई हथियार नहीं। उस दुश्मन से अगर तुम्हें बचना हो तो उस दुश्मन का पैदा करने वाला अल्लाह, उसी से तुम्हें पनाह मांगनी पड़ेगी, उसी से तुम्हें हिफाजत को मांगना पड़ेगा कि अल्लाह ये जो तुमने दुश्मन पैदा किया है उस दुश्मन से हमें तू बचा लेना, वरना उससे निमटने के लिए, उससे बचने के लिए हमारे पास कोई हथियार और कोई आला है ही नहीं। उसमें से अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा मिन शर्री मा खलक, तमाम मखलूकात के शर से हम तेरी पनाह मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है, खैर का पैदा करने वाला भी है और बुराई का पैदा करने वाला भी है। तो अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं कि जिनमें बुराई है, जैसे दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, बाज सांप हैं, बिच्छू हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इससे हम तेरी क्या मांगते हैं, पनाह और हिफाजत मांगते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली ने यहाँ मा खलक में लिखा कि अल्लाह ताला ने तीन मखलूकात पैदा की। अल्लाह ताला की बाद मखलूकात ऐसी है जो सिर्फ इंसान को नफा ही नफा पहुंचा सकती है, जो इंसान को खैर ही खैर पहुंचा सकती है, जो इंसान को भला ही भलाई पहुंचा सकती है, और वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, और फरिश्ते हैं वो किसी को तकलीफ, उनमें गोया बुराई ये बिल्कुल है ही नहीं, उनकी फितरत के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाना है ही नहीं, बल्कि उनकी जात से सिर्फ भलाई भलाई पहुंच सकती है। तो गोया ये एक मखलूक हुई। अब दूसरी अल्लाह की मखलूक वो है कि जिनसे नुकसान ही नुकसान पहुंचता है, जिनसे कभी भलाई पहुंचती, जैसे शैतान, बाज शरीर जिन्नात, सांप है, बिच्छू है, बाज डाकू किस्म के लोग, तो इनसे कभी भलाई पहुंचती नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान पहुंचता है, और उनमें भलाई नाम का कोई नाम ही नहीं लिया जा सकता है कि उनसे कभी इंसान को भलाई पहुंचे। और अल्लाह ताला की बात मखलूक ऐसी है कि उनसे नफा भी पहुंच सकता है तो उनसे नुकसान भी पहुंच सकता है, जिसके बाद इंसान कि उनसे कभी नफा भी पहुंचता है तो कभी नुकसान भी पहुंचता है, जैसे मान दौलत औलाद की, मान और दौलत कभी इंसान के लिए खैर का जरिया करते हैं तो कभी इंसान को नुकसान भी पहुंचाते हैं। औलाद है अगर नेक है तो तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे, अगर बुरी औलाद है तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ तमाम मखलूकात के सर से अल्लाह ताला ने पनाह मांगी। अल्लाह कहते हैं कि जितनी मेरी मखलूकात और जितनी चीजों से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है उन तमाम चीजों से अल्लाह की पनाह मांगो, कि अल्लाह जितनी भी चीजें बीमारी है ये भी अल्लाह की पैदा करता है तो उससे भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं, कि अल्लाह ये बीमारी तूने पैदा की उससे भी हम तेरी पनाह मांगते हैं, उसके शर से हम अल्लाह की क्या मांगते हैं, पनाह मांगते हैं। तो इन सभी मामलों में अल्लाह ये कहना चाहते तमाम मखलूकात के शर से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वैसे बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को जाहिर में नजर आती है कि ये नफा पहुंचाती है, हालांकि वही चीजें इंसान को नुकसान पहुंचाती है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू आलैह फरमाते हैं कि वो एक मरतबा जुनूबी अफ्रीका के सफर में जा रहे थे, तो केप टाउन के करीब के अंदर एक जंगल में वो सफर कर रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर। वो एक ऐसी शख्सियत दुनिया में गुजरी कि जिन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है,
अब वो जहां जहां जाते दुनिया के अंदर, वहां से आने के बाद एक सफरनामा लिखते, किताब लिखते कि मैं उस जगह गया तो वहां उस जगह को मैंने कैसा पाया। तो जब वो अफ्रीका के सफर में गए तो उस वक्त वो अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे कि अचानक एक जगह उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद जैसे ही वो अपनी कार से नीचे उतरे तो अचानक उन्होंने एक खूबसूरत और बड़ा दिलकश, दिल को लुभाने वाला एक दरख्त देखा। ऐसा दरख्त देखा कि उसके पत्ते मखमल की तरह। इंसान उस दरख्त को देखे तो इंसान की तबीयत उसको छुए बगैर रह गई। देखते ही इंसान को यह लफ्ज़ इरादा आया कि मैं कैसे उस पत्ते को तोड़ लूं और कैसे उस पत्ते को मैं अपने हाथ में ले लूं। तो हजरत मुफ्ती साहब जैसे उस पत्ते को देखा तो पत्ते को देखने के बाद अचानक उस पत्ते को तोड़ने के लिए गए। जैसे ही उसको तोड़ने के लिए जा रहे थे तो उस गाड़ी में वहां का जो उनका ड्राइवर था उसने जोर से आवाज दी और कहा कि उस पत्ते को हाथ मत लगाओ। तो मुफ्ती साहब ने पूछा क्यों, क्या वजह है? तो कहा कि इस पत्ते की एक खासियत है कि इस पत्ते को अगर कोई हाथ लगाता है तो हाथ लगाते ही उसको ऐसा जहर का असर उसके जिस्म में आ जाता है कि किसी सांप और किसी बिच्छू ने उसको डस लिया। जिसे सांप और बिच्छू अगर इंसान को डस ले तो उस सांप और बिच्छू के डसने से उसके बदन के अंदर जहर फैल जाता है, उसके जिस्म में जहर फैल जाता है। तो इसी तरीके से यहां आप जिस दरख्त को देख रहे इस दरख्त की यही खासियत है कि अगर आप उस दरख्त के पत्ते को हाथ लगा लेते तो आपके बदन के अंदर जहर फैल जाता और आप मरने के करीब हो जाते। तो देखो ये अल्लाह की मखलूक दरख्त, लेकिन इसमें भी शर्त। नजर यह आता था कि इसमें भलाई, लेकिन उसमें क्या शर्त? तो हमने अगर अल्लाह से पनाह मांगी हो तो अल्लाह हमें बचा ले। तो फिर हजरत मुफ्ती साहब ने उससे पूछा कि अच्छा आप थे तो मैं बच गया, अगर आप न होते तो मेरा क्या हाल होता? तो कहा कि देखो इस दरख्त की खासियत, वो खासियत ये है कि जहां भी ये दरख्त उगता है उसके करीब एक छोटा सा पौधा भी उगता है, एक छोटा सा पौधा निकलता है। जहां वो छोटा पौधा निकलता है उस दरख्त और उस छोटे से पौधे की खासियत होती है कि जो जहर इस दरख्त से तुम्हारे जिस्म में आया है वही जहर अगर तुम इस छोटे से दरख्त के पत्ते को पकड़ लो तो वो जहर सारा के सारा जहर अपने अंदर चूस लेते हो, जज्ब कर लेते। तो देखो अल्लाह ताला ने जहर भी पैदा किया है तो उस जहर को खत्म करने के लिए तिरियाज भी पैदा किया है। जहां बीमारी है तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए दवा भी है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मिन शर्री मा खलक, जितनी भी मखलूकात अल्लाह की, कि सूरज चांद सितारे फरिश्ते जिन्नात जितनी भी बुरी चीजें हैं उन तमाम के तमाम चीजों के शर से अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं। इस शर के अंदर गुनाह भी आ गए कि गुनाह भी ये ऐसी चीज है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम जौज़ी ने यहाँ शर के अंदर लिखा है कि शर में बाद शर ऐसे होते हैं जो बराह रास्त इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे सांप और बिच्छू, और बाद शर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान तक पहुंचने का वो सबब बनती है। जैसे गुनाह कुफ्र है शिर्क है तो इन तमाम चीजों से हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। जैसे अजाब कब्र है जहन्नम का अजाब तो ऐसी चीज है जो बराह रास्त इंसान को नुकसान पहुंचाती है। और कुरान के अल्लाह के नबी ने जिंदगी के फितने से भी पनाह मांगी, मौत के फितने से भी पनाह मांगी। तो जिंदगी और मौत ये ऐसी चीज है जो डायरेक्ट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि ये इंसान को नुकसान तक पहुंचाने का एक सबब। अगर जिंदगी को गलत कामों में इस्तेमाल किया गया तो यही जिंदगी इंसान को नुकसान तक और शर तक पहुंचाएगी, और मौत अगर जिंदगी अच्छी नहीं गुजारी तो यही मौत इंसान को हलाकत तक ले जाएगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र या तो इंसान के लिए जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इसलिए यहाँ का मीन शर्री माफलत, तमाम मखलूकात के शर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अब कुरान करीम का ये जुमला, ये आयत ऐसी जबरदस्त और ऐसी जामे है कि अगर यही आयत उतरी होती और आगे की तीन आयतें नहीं उतरती तो भी काफी था, क्योंकि तमाम आफात और तमाम मुसीबत से अल्लाह की पनाह मांगी। लेकिन फिर उसके बाद तीन और चीजों को अलग से अल्लाह ताला ने जिक्र किया। ऐसा क्यों? ऐसा अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि बाद चीजें ऐसी होती है कि उसका नुकसान इंसान को नजर आता है कि ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाए।
और बात चीजें ऐसी होती है कि जिसका नुकसान इंसान को अपनी आंखों से नजर नहीं आता, बाद में नजर आता है। उसमें से एक है कि वो मिन शर्रि ग़ासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरी रात के शर से जबकि उसका अंधेरा छा जाए। क्योंकि एक तो है रात और उसका अंधेरा, कि जब रात का शुरू वाला हिस्सा होता तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब उस रात का अंधेरा फैल जाता है तो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि रात के वक्त में बाज जानवर ऐसे होते हैं कि जो अपने दरिंदों से निकल, जो अपने बिलों से निकलते हैं, सुबह के वक्त में निकलते हैं। बाज मूजी जानवर ऐसे हैं कि जो रात ही को निकलते, दिन को निकलते नहीं। बाज सांप ऐसे मखसूस किस्म के हैं कि जो दिन में निकलने का नाम नहीं लेते और रात ही में निकलते। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा उम्मीद शब्दी वास्तव इजा वक्त, के उस अंधेरे के शर से अल्लाह की पनाह, जबकि अंधेरी रात का शर वो फैल जाए, अंधेरी रात का अंधेरा ये फैल जाए। इसलिए बाज डाकू, बाज जानवर, बाज दरिंदे, बाज चरिंदे और बाज अल्लाह की मखलूकात ऐसी है कि जो रात ही को इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। और बिलखसूस जादू करने वाले जो जादू करते हैं वो रात ही को जादू करते हैं, तो उनका जादू ये पाए तकमील को पहुंचता है, वरना उनका जादू ये असर नहीं करता। अगर रात को वो जादू करते हैं तो उनका जादू ये मुकम्मल असर करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा अंधेरे के शर से पनाह मांगो जबकि उसका अंधेरा फैल जाए। पता नहीं किस वक्त अंधेरा इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद अपने बच्चों को और अपने जानवरों को अपने घर से बाहर मत निकालो, अपने बच्चों को और अपने जानवरों को घर से बाहर मत निकालो। क्यों? इसलिए कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद रात का आगाज होता है, रात शुरू होती है। जैसे ही रात शुरू होती है वैसे ही शयातीन ये बाहर निकल जाते हैं, शयातीन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, वो रास्तों पर और गली कूचों में फैल जाते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे घरों के बाहर निकलेंगे, आपके जानवर ये घरों के बाहर निकलेंगे तो शैतान के शर में आ जाएंगे, शैतान के शिकार बन जाएंगे और शैतान की जद में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बच्चे पर शैतानी असर आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि रात के अंदर जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब के वक्त अपने बच्चों को बाहर मत निकालो। आजकल हम इसका एहतमाम नहीं करते, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्हें ग़ासिकिन इज़ा वक़ब, के रात के अंधेरी रात के शर से जबकि उसका अंधेरा फैल जाए। जो इसके बाद हालांकि अंधेरी रात का शर ये माँ फलक में आ चुका था, अल्लाह की मखलूक में आ चुका था, लेकिन उसको अलग से जिक्र किया, अलग से इसलिए जिक्र किया कि ऐसी चीज है कि इससे पनाह मांगो, इसका नुकसान और इसका शर तुम्हें नजर नहीं आता लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हें पता भी नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ताला ने उससे भी पनाह मांगने का हुक्म दिया। फिर आगे वो मिन शर्रिन नफ्फासात फिल उक़द, गिरोहों में पढ़ पढ़ कर फूकने वालियों के शर से। नफ्फासात कहते हैं फूकने को, क्योंकि असल में यहाँ तीन चीजें मुराद हो सकती है। एक तो ये कि जादू करने वाली जमात होती है, पूरी जमात, या तो जादू करने वाले मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, या जादू करने वाली बिलखसूस औरतें होती हैं। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मर्द जो जादू करे तो उसका इतना असर नहीं होता जितना एक औरत जादू करे। औरत का जादू ये खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि एक जादू मर्द करे और वही जादू औरत करे तो मर्द का जादू इतना कारगर नहीं होगा जितना औरत का जादू ये कारगर होगा और नुकसान पहुंचाने में मुअस्सिर देता है। इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब जादू किया गया तो लबीद बिन आसम की औरतों ने जादू किया, उसकी बेटियों ने, उसकी बच्चियों ने अल्लाह के रसूल पर जादू किया था। और जादू किस तरीके से किया कि धागा लेकर धागे में एक गिरा और एक गांठ को बांधा और कुछ कुफरिया और शिरकिया कलिमात पड़े और फूंक मारी, फिर दूसरी गांठ बांधी फिर उसमें भी फूंक मारी, फिर तीसरी, इस तरीके से 11 के 11 गिरे बांधती गई और उसमें फूंक मारती गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गिरहों में धागों में फूंक मारने वालियों के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। कि पता नहीं जब इंसान पर जादू कोई करता है तो इंसान को पता नहीं चलता कि मुझ पर किसने जादू किया है, जादू हो जाता है फिर भी पता नहीं चलता। किसी आमिर के पास जाते हैं फिर वो कहता है तो पता लगता है कि आप पर
طور پہ کسی نے جادو کر دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو یہ ایسا شر, یہ ایسی برائی ہے جس کی برائی کا علم انسان کو جلدی ہوتا نہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ جادوگر کے جادو کرنے سے پہلے تم اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ اس جادو کرنے والوں کے جادو سے, ساحروں کے سحر سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے میں ابھی سے تیری حفاظت میں آ جاتا ہوں, ان کے مکر و فریب سے تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا. اب اس کے بعد یہ چوتھی چیز ہے, وہ میں شرح حاصل دل ادا حسد, جبکہ حسد کرنے والے کے سر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے. کیونکہ جب حسد کس کو کہتے ہیں؟ جیسے حسد اس کو کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر, کسی کی راحت کو دیکھ کر, کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر, کسی کی صلاحیت کو دیکھ کر, کسی کے علم کو دیکھ کر انسان جلن محسوس کرے, گھٹن محسوس کرے کہ اللہ نے اس کو مال کیوں دیا, اللہ نے اس کو دولت کیوں دی, اللہ نے اس کو اتنا اچھا کاروبار کیوں دیا, اللہ نے اس کو اتنی اچھی اولاد کیوں دی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اتنا علم کیوں دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی اتنی توفیق کیوں دی, اللہ تعالیٰ نے اس کا کاروبار اس کا اچھا کیوں چلایا. تو اس کو دیکھ کر انسان جلتا ہے, دل اتنا جلتا ہے, اتنی گھٹن محسوس کرتا ہے, وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے, چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کی وہ نعمت ختم ہو جانی چاہیے. اس کو حسد کہتے ہیں, اور یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے حسد سے, کیونکہ حسد اس کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے کہ اس کی دکان بہت اچھی چلتی ہے, اس کی فیکٹری بہت اچھی چلتی ہے, یہ کیسے ختم ہو جا رہا ہے. تو دل میں انسان کی ایک تکلیف ہوتی ہے, رنگ ہوتا ہے, اور یہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا, غیر اختیاری طور پر دل کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ حسد کا پہلا درجہ, کسی کی نعمت کو دیکھ کر تکلیف ہونا, کسی کی اچھائی کو دیکھ کر, کسی کی راحت کو دیکھ کر دل کے اندر غم کا ہونا, تو یہ حسد کا پہلا درجہ. حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کسی کی نعمت, کسی کی راحت, کسی کی اچھائی کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہے, یہ آرزو, یہ خواہش کرتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اس کی یہ نعمت کیسے ختم ہو جائے, اس کی نعمت ختم ہو جانی چاہیے. یہ دوسرا درجہ, ہر وقت کی تمنا, یہ خواہش کہ بس اس کا مال کیسے ختم ہو جائے, اس کی اولاد کیسے مر جائے, اس کی فیکٹری کیسے جل کر خاک ہو جائے, اس کا یہ کاروبار کیسے بالکل ڈھپ ہو جائے, کوئی اس کی دکان پر نہ آئے, تو انسان یہ تمنا کرتا ہے. پھر حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ خواہش, یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ عملی اقدام کرتا ہے, لوگوں میں اس کی برائی کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کی دکان پر مال لینے مت جانا, کیوں کہ وہاں سے لاتا ہے, اور اس کے وہاں مت جانا کیونکہ یہ ایسا آدمی, کسی آدمی کی لوگوں کے اندر شہرت, لوگ اس کو معمول مانتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو اب انسان عملی اقدام, عملی کاروائی شروع کر دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی برائی کرتا ہے کہ یہ آدمی بہت برا ہے, حالانکہ یہ اچھا, لیکن انسان جھوٹ بھی بولتا ہے, پھر غیبت بھی کرتا ہے, پھر اس پر بہتان بھی لگاتا ہے. تو گویا حسد کا یہ خطرناک درجہ ہے کہ اب انسان اس کے مال کو ختم کرنے کے لیے اب وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, ایک کاروائی شروع کر دیتا ہے, ایک مجمع کو تیار کرتا ہے کہ کیسا اس کا مال ختم ہو جائے, کیسی اس کی دکان یہ دھپ پڑ جائے, تو اس کی دکان کے پاس دوسری دکان کھول دیتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار اچھا نہ چلے میرا کاروبار. تو یہ عملی یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے ان تین درجوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اور اللہ تعالیٰ بھی پناہ مانگتے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتے, اذا حسد, جبکہ وہ شر کرنے لگے, جبکہ وہ حسد کرنے لگے. جیسے اللہ کے رسول پر جادو کیوں کیا گیا؟ حسد کی وجہ سے, اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے, حالانکہ اللہ کے رسول کو تو بنو اسحاق میں آنا چاہیے, اسی حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. اب اس حسد سے بچنے کے لیے تو علماء نے لکھا ہے, حسد سے بچنے کے لیے تین چیزیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر حسد آنے لگے تو سب سے پہلے جو برا خیال آ رہا ہے کسی کے بارے میں, چاہے بعض لوگ تو اپنے بھائی کے بارے میں برا خیال لاتے ہیں کہ میرا بھائی یہ کیسے مجھ سے مال میں آگے بڑھ گیا, یہ کیسے مجھ سے کاروبار کے اندر آگے بڑھ گیا. تو علماء نے, امام غزالی علی رحمہ فرماتے ہیں, جس سے آپ کے دل میں برا خیال آئے, جس انسان کے متعلق
फौरन ही आप दिल में ख्याल करेंगे बुरा ख्याल मेरे दिल में, मेरे भाई के बारे में, एक मुसलमान के बारे में ये ख्याल आए कि उसको नेमत मिली और नेमत कैसे खत्म हो जाए, तो पहली फुर्सत में अपने दिल में ये बात आनी चाहिए कि अल्लाह ये जो ख्याल आया है ये बुरा ख्याल है, और इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, फौरन अल्लाह के दर पे आ जाना चाहिए, दो रकात नमाज पढ़नी चाहिए। दूसरा इसको खत्म करने का तरीका ये है कि जिसके बारे में आपको हसद हो रहा हो, आपके भाई के बारे में, आपके रिश्तेदार के बारे में, आपके दोस्त के बारे में, जिसके बारे में भी आपको हसद हो रहा हो, तो उसकी लिए दुआ की जाए अल्लाह ताला कि अल्लाह उसके कारोबार में और बरकत अता करे। ये तो कड़वा झूठ है, जिसके बारे में हसद कर रहे हैं कि उसका कारोबार खत्म हो जाए, उसके बारे में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसका वो कारोबार और बढ़ जाए, उसकी दुकान और चले, और इसके इल्म में अल्लाह और बरकत दे, ये और नमाजें पढ़ने लगे। जिस जिसके बारे में तुम्हें हसद होता हो उसके बारे में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उसको और तरक्की दे, उसके दर्जात को और बुलंद फरमाए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका हसद खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज उलमा ने लिखी कि लोगों के अंदर उसकी तारीफ करो, या मेरा भाई तो बहुत अच्छा आदमी है, मेरा पूरा रिश्तेदार, हालांकि आप उसका बुरा चाहते हो, आप तारीफ करें अपनी जुबान तक नहीं, आपको करना पड़ेगा हसद को खत्म करने के लिए। इसलिए ये तीन तरीके बताए, तीन तरीके एक साथ करना, जब भी बुरा ख्याल आए तो सोचे कि नहीं ये बुरा ख्याल गलत, ये दिल ये बुरा ख्याल आया है, ये दिल ने गलत काम किया है, बुरा काम किया है, उसी वक्त अल्लाह की पनाह मांगी जाए, उसी वक्त तौबा की जाए, उसी वक्त इस्तिग़फ़ार किया जाए, और दूसरा कि उसके लिए हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगी जाए, और तीसरा ये है कि उसकी लोगों में तारीफ की जाए। ये तीन काम आप करेंगे तो आपका हसद जिसके बारे में होगा अल्लाह उसको खत्म कर देगा। और तफ़सीर अज़ीज़ी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहली ने लिखा कि हसद इतनी बुरी चीज है कि आसमान और जमीन में अगर सबसे पहले कोई गुनाह हुआ है तो हसद का गुनाह हुआ है, आसमान में अगर सबसे पहले कोई गुनाह हुआ तो हसद का गुनाह हुआ, इस जमीन पर अगर सबसे पहले कोई गुनाह हुआ तो हसद का गुनाह हुआ। आसमान में सबसे पहले हसद का गुनाह कैसे हुआ कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम मखलूकात को, फरिश्तों को, तमाम जिन्नात को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उस वक्त इबलीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? हसद की वजह से कि तूने तो उसको मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से, और मिट्टी ये नीचे होती है, आग ये बढ़ती है, तो आग कैसे मिट्टी को सजदा कर सकती? तो हसद सबसे पहले आसमान में जो गुनाह हुआ तो वह हसद का गुनाह हुआ, और जमीन पर सबसे पहले हसद का कैसे हुआ, तो जैसे आदम अलैहि सलाम के दो बेटे काबिल और हाबिल, जब हाबिल के पास बहुत सारी दौलत, खूबसूरत बीवी, खूबसूरत बीवी उससे देखी नहीं गई, तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया कि तेरी नेमत को मैं देख नहीं सकता। तो गोया आसमान और जमीन में सबसे पहले कोई गुनाह, घिनौना अमल हुआ तो हसद का गुनाह हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने उससे पनाह मांगने का हुक्म दिया कि हसद करने वाला तुम्हारे बारे में हसद करता है, वो चाहता है कि तुम्हारा माल खत्म, तुम्हारी तंदुरुस्ती खत्म, तुम्हारी दौलत खत्म, तुम्हारी प्रॉपर्टी जमीन सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि हसद करने वाला हसद करता है, इसलिए अल्लाह चाहते हैं कि मेरी पनाह में आ जाओ, मेरी हिफाजत में आ जाओ। तो कुरान करीम की अजीम शान सूरत है, ये ऐसी सूरत अगर इंसान इसको हर नमाज के बाद पढ़ ले तो बड़े बड़े फितनों से और बड़ी बड़ी मुसीबतों से इंसान बच जाए। जैसे उलमा ने यह भी लिखा है कि हसद करने वाला ये पागल, ये बेवकूफ। क्यों बेवकूफ? इसलिए कि हसद करने वाला हसद करता है कि इसका माल खत्म हो जाए, तो इसको माल किसने दिया? इसको माल किसने दिया? अल्लाह ने दिया। हसद करने वाला ये चाहता है कि इसकी नेक औलाद खत्म हो जाए, इसको नेक औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। हसद करने वाला ये चाहता है इसका कारोबार खत्म हो जाए, इसको कारोबार चलाने वाला और देने वाला कौन? अल्लाह। हसद करने वाला ये चाहता है कि लोगों में इसकी मकबूलियत, लोग इसको अल्लाह वाला और साले मानते, इसको लोग साले न माने, तो लोगों में मकबूलियत किसने दी? अल्लाह। तो गोया अल्लाह की दी हुई चीज पर तुम एतराज करते हो, तुम अल्लाह को कहते हो कि अल्लाह तूने इसको माल क्यों दिया, अल्लाह तूने इसको इतना अच्छा कारोबार क्यों दिया? तुम कौन होते हो अल्लाह पर एतराज करने वाले? जब इंसान अल्लाह पर एतराज करता है हसद करके, तो अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इय्याकुम वल हसद, हजरत सहाबा से फरमाया कि लोगों हसद से बचो, इसलिए कि फइन्नहु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, इसलिए कि हसद
नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरीके से आग ये लकड़ी को खा जाती है। चूल्हे के अंदर आप लकड़ी रखोगे तो लकड़ी ये थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, राख हो जाएगी, वो लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी। आप हसद करोगे तो हसद की वजह से आपकी तमाम उनके तमाम नेकियां ये खत्म और बर्बाद होकर रह जाएगी। इसलिए एक रिवायत में ये भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत में दो चीजों का अंदेशा है, मुझे मेरी उम्मत में दो चीजों का अंदेशा है, दो ऐसी चीजों का अंदेशा है कि जो पिछली उम्मत में, जो तुमसे पहले जितनी भी उम्मत गुजरी उसमें दो चीजें थी, उसे मैं अल्लाह की क्या मांगता हूँ, पना मांगता हूँ, और मुझे उन दो चीजों का अंदेशा है। सबसे पहली चीज हसद और दूसरी चीज दुश्मन झगड़ा। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो पहली उम्मत में भी थी और अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे मेरी उम्मत में भी अंदेशा है, तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुंह देने वाली चीज है, खत्म कर देने वाली चीज है। तो कहा कि किसको, तो कहा कि जिस तरीके से उस्तूरा सर को मुंह देता है, उसके बालों को खत्म कर देता है, तो मुझे दीन को मुंह देने का खतरा नहीं है, दुनिया को नहीं, बल्कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो इंसान के दीन को खत्म कर देती है, जो इंसान के ईमान को खत्म कर देती है। और वैसे भी हसद एक गुनाह का सरचश्मा है। जब इंसान हसद करेगा तो बहुत सारे गुनाह करेगा, उसकी गीबत भी करेगा, उसकी बुराई भी लोगों के सामने बयान करेगा, उसके बारे में झूठ भी बोलेगा, उस पर तोहमत भी लगाएगा, और उसके बारे में गलत गलत जितनी भी चीजें इंसान के बस में हो सारी के सारी चीजें कर लेगा। तो गोया हसद ऐसी चीज है जो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है, तो अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांगनी चाहिए। इसलिए ये सूरत ऐसी है कि जिसके अंदर चार बड़ी बड़ी दुनियावी आफात से पनाह मांगने का हुक्म दिया है, चार दुनियावी बड़ी बड़ी आफात से अल्लाह ताला ने पनाह मांगने का हुक्म दिया है। तमाम मखलूकात से अल्लाह की पनाह, तमाम मखलूकात के शर से अल्लाह की पनाह, फिर दूसरी अंधेरी रात के, अंधेरी रात के शर से जबकि उसका अंधेरा फैल जाए, और तीसरी चीज गिरोहों में पड़ पड़ कर फूटने वालियों के शर से, और चौथी चीज हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करने लगे। यहाँ उलमा ने एक बात लिखी कि देखो यहाँ ओमिन शर्री वाकिफी इदा वक्त, यहाँ अंधेरी रात के शर से जबकि वो फैल जाए, तो अंधेरे को मुकय्यद किया कि अंधेरी रात के शर से नहीं सिर्फ, बल्कि उसका सर, उसका अंधेरा ये फैल जाए। फिर दूसरी चीज यहाँ ओमिन शर्री हासिदिन इदा हसद, हसद करने वाले के शर से नहीं बल्कि हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करने लगे, तो अंधेरे को भी मुकय्यद किया कि अंधेरा फैल जाए तो उसके शर से, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करने लगे। और बीच में जो तीसरी चीज आई तो वहां कुरान ने सिर्फ इतना कहा वो मेन शर नफासा के फिर ऊपर, बस गिरोहों में फूटने वालों के शर से, वहां किसी चीज के साथ उसको मुकय्यद नहीं किया कि ये हो तो ये, बल्कि इससे उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि रात ऐसी चीज है जो हर वक्त इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, कभी बाज रातें खैर की रातें भी होती है। हासिद जब हसद करता है तो उसका नुकसान हर वक्त नहीं पहुंचता, बल्कि उसका नुकसान उस वक्त होता है जबकि वो हसद करने लगे, जबकि वो अमली कार्रवाई शुरू करने लगे। इससे और जादू ये ऐसी चीज है कि डायरेक्ट इंसान को नुकसान पहुंचाती है, वहां किसी चीज की जरूरत नहीं, वहां किसी भी चीज की जरूरत, वो फौरन जादू किया और आपको नुकसान हो गया। इसलिए कुरान करीम ने डायरेक्ट उससे पनाह मांगी कि जादू से तो अल्लाह की पनाह ही, जादू से तो अल्लाह की पनाह। और वैसे भी ये जादू ऐसी चीज है कि उलमा ने लिखा है कि जादू करना एक गुनाह और हराम और कबीरा गुनाह, आप जादू कर ही नहीं सकते, हालांकि आप जादू करें इसलिए करते हैं कि फुला को फायदा पहुंचे, फायदा पहुंचाने के लिए आप जादू नहीं कर सकते, फायदा आप जादू इसलिए करते कि उसका नुकसान खत्म हो जाए, फिर भी आप जादू नहीं करते, गुनाह। इसलिए उलमा ने फुकहा ने लिखा है कि आप जादू इसलिए करते हैं कि कुफार और मुशरिकीन मर जाए, फिर भी आप जादू करके कुफार और मुशरिकीन को नहीं मार सकते, क्योंकि जादू इतना घिनौना आमल है कि आप जादू कर ही नहीं सकते, उनको खत्म करने के लिए दूसरे तरीके इख्तियार करो, लेकिन आप जादू नहीं कर सकते। इसलिए ये कुरान करीम की ऐसी सूरत है जिसके अंदर चार बड़े बड़े दुश्मन से अल्लाह की पनाह मांगी गई, अल्लाह तेरी हिफाजत में आते हैं। इसलिए हर नमाज के बाद जब भी इंसान को कोई बीमारी आए तो ये कुरान की सूरत पढ़े, क्योंकि बीमारी ये शर है, उसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जब भी घर से बाहर निकले तो हो सकता है कि घर से बाहर जाए
तो बहुत सारे फितने आ सकते हैं, बहुत सारी बुराइयां आ सकती है। तो कुरान की सूरत पढ़े तो आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। इसलिए उलमा ने यहाँ इस आयत को लिखा है, वमिन अंधेरी रात के सर से जबकि उसका अंधेरा फैल जाए तो अंधेरे दो होते हैं। एक अंधेरा वो होता है जो इंसान को नजर आता है, हिस्सी अंधेरा, और एक अंधेरा वो है जो इंसान को नजर नहीं आता। जो नजर आता है वो रात का अंधेरा है, नजर आता है, और एक अंधेरा है जो नजर नहीं आता वो गुनाह का अंधेरा है। गुनाह इंसान करता है तो दिल पर अंधेरा छा जाता है, कुफ्र, जितने भी गुनाह है वो सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो कुरान की आयत पढ़ेंगे तो ये सूरत पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे गुनाहों से भी आप बच जाएंगे। तो ये कुरान करीम की अज़ीमुश्शान सूरत। अब इसके बाद दूसरी सूरत है सूरह नास, उसकी तफसीर आइंदा मजलिस में निपटा देंगे, और आइंदा कर हम इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और इन दोनों सूरतों की फजीलत को भी इंशाल्लाह बयान कर देंगे। Thank you.